गाइस, आज मैं आप सबके लेके आई हूँ समर स्किन केयर रूटीन। गाइस, ये एक नाइट स्किन केयर रूटीन है, इसलिए आपको नाइट में ही फॉलो करना है। इसे आप दिन में फॉलो करने की बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। गाइस, नाइट स्किन केयर रूटीन एंड मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन डिफरेंट होते हैं, इसलिए आज मैं आपके साथ नाइट स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि दिन में हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। जो लोग वर्किंग होते हैं, जो बिजी मॉम्स हैं, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, सुबह सुबह जल्दी जल्दी में हम नहीं स्किन केयर रूटीन फॉलो कर पाते हैं, इसलिए आज मैं नाइट स्किन केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ। गाइस, अगर आपको मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन पर भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं, तो मैं पक्का उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। गाइस, कुछ सिंपल से स्टेप हैं जिनको अगर आप डेली फॉलो करते हो तो आपकी स्किन ग्लोइंग रहती है, स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव रहता है, स्किन हेल्दी रहती है। इसलिए हमें चाहे नाइट हो चाहे दिन में हो, हमें अपना स्किन केयर रूटीन जरूर फॉलो करना चाहिए अपने स्किन को हेल्दी बनाने के लिए। तो ऐसे ही कुछ स्टेप मैं लेके आई हूँ जिससे आपके स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव होगा, आपकी स्किन ग्लोइंग रहेगी, हेल्दी रहेगी, सारी डर्ट पुल आउट रहेगी। तो इसके लिए आप वीडियो पूरी देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए जल्दी से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक। देखिए, उन लोगों के लिए है जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे की वीडियो देखिए। लेट्स गो टू द वीडियो। सबसे पहला स्टेप है अपने स्किन का मेकअप रिमूव करना। गाइस, अगर आपने मेकअप किया है या नहीं किया है, अगर आपने सिर्फ डे क्रीम भी अप्लाई करी है, तो उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप मेकअप रिमूवर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई ऑर्गेनिक चीज़ जैसे कि कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल से अपना मेकअप रिमूव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। कोकोनट ऑयल में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि आपकी स्किन को मेकअप से होने वाली एलर्जी से प्रोटेक्ट करता है और स्किन का मेकअप एक सिंगल स्टेप में निकाल देता है। कोकोनट ऑयल को यूज़ करने के लिए कोकोनट ऑयल की 4-5 ड्रॉप्स अपने हाथ में लेकर अपने फेस पर 2-3 मिनट तक मसाज करिए। फिर कॉटन पैड में 4-5 ड्रॉप्स गुलाब जल की लेकर अपने फेस को इस तरीके से क्लीन करिए। मैं यहाँ पे डाबर का गुलाब जल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो फ्रेश गुलाब जल भी यूज़ कर सकते हैं। गुलाब जल आपके स्किन के ओपन पोर रिड्यूस करता है, साथ ही साथ आपको कूलिंग इफेक्ट देता है। गुलाब जल यूज़ करने से आपके स्किन का ऑयल एक बार में निकल आता है और साथ ही साथ आपके स्किन को मॉइस्चर एंड फ्रेश फीलिंग देता है। सेकेंड स्टेप में आपको यूज़ करना है फेस वॉश। गाइस, मैं यहाँ पे वाओ स्किन साइंस एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ। ये एक एंटी टॉक्सिन, एंटी पोल्यूटिंग, एंटी डर्ट फेस वॉश है जो कि आपके स्किन की सारी डर्ट पुल आउट करता है और स्किन को रिफ्रेश बनाता है। इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी है। इसको यूज़ करने के लिए थोड़ा सा फेस वॉश अपने हाथ में लेकर अपने फेस पर 1-2 मिनट तक मसाज करिए और फिर नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। थर्ड स्टेप में आपको यूज़ करना है एलोवेरा जेल। मैं यहाँ पे पतंजलि एलोवेरा केसर चंदन जेल यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा जेल है। ये स्किन को नरिशमेंट एंड हाइड्रेट करता है और आपको एक नेचुरल ग्लो देता है। ये जेल अच्छे से स्किन में ब्लेंड हो जाता है और स्किन को स्मूथ एंड ब्राइटन बनाता है। इसको यूज़ करने के लिए थोड़ा सा एलोवेरा जेल अपने हाथ में लेकर अपने फेस पे 1-2 मिनट तक मसाज करिए और 5-10 मिनट तक के लिए छोड़ दीजिए। गाइस, अगर आप ये वाला एलोवेरा जेल यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप फ्रेश एलोवेरा जेल या जो भी आप ब्रांड का एलोवेरा जेल यूज़ करते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल आपके स्किन में अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, साथ ही साथ आपकी स्किन को एक्ने से प्रोटेक्ट करते हैं, आपके ओपन पोर रिड्यूस करते हैं और आपके स्किन में एक अच्छी शाइन लेके आता है। 10 मिनट के बाद अपना फेस पानी से वॉश कर लीजिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करना है टोनर। मैं यहाँ पे वाओ स्किन साइंस का रोज़ एंड लेवेंडर टोनर यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा टोनर है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं या फिर आप जो भी ब्रांड का टोनर यूज़ करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। टोनर को इस तरह से अपने फेस पे अप्लाई करिए। नेक्स्ट स्टेप में आपको अप्लाई करना है नाइट क्रीम। गाइस, नाइट क्रीम यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं यहाँ पे प्लम की ग्रीन टी रिन्यूड क्लैरिटी नाइट जेल अप्लाई कर रही हूँ। ये समर्स के लिए बहुत ही अच्छी है। गाइस, मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप इस क्रीम को अप्लाई करते हो तो एवरी मॉर्निंग ये आपके स्किन को क्लियर एंड फ्रेश बनाता है, साथ ही साथ आपके स्किन को हाइड्रेट भी करता है।
गाइस आप कोई भी नाइट क्रीम यूज़ कर सकते हो, जो भी आप यूज़ करते हो, जो भी आपको सूट करती हो, लेकिन रात में आपको नाइट क्रीम ही यूज़ करनी है। नेक्स्ट स्टेप में आपको यूज़ करनी है अंडर आई क्रीम। गाइस मैं यहाँ पे कोई अंडर आई क्रीम यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हमदर्द रोगन बादाम श्रीन ऑयल। गाइस ये बहुत ही अच्छा ऑयल होता है जो कि आपके अंडर आईज डार्क सर्कल को लाइटन करता है और साथ ही साथ अंडर आई पफिनेस को भी रिड्यूस करता है। इसमें विटामिन के एंड ई होता है जो कि डेलिकेट स्किन की पिगमेंटेशन हटाता है और साथ ही साथ उसे स्मूथ एंड लाइटन करता है। लास्ट स्टेप में आपको यूज़ करना है पेट्रोलियम जेली। गाइस अपने लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए मैं यहाँ पे पेट्रोलियम जेली यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी SPF 20 वाला लिप बाम यूज़ कर सकते हैं। मैं इसी पेट्रोलियम जेली को अपने आईब्रोज और अपने आईलैशेस पे अप्लाई करूँगी। गाइस अगर आप पेट्रोलियम जेली अप्लाई करते हो तो वो आपके आईब्रोज एंड आईलैशेस को थिक एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है, साथ ही साथ न्यू ग्रोथ भी प्रमोट करता है। गाइस अगर आप पेट्रोलियम जेली अप्लाई नहीं करना चाहते हो तो आप इसकी जगह कैस्टर ऑयल भी अप्लाई कर सकते हो। कैस्टर ऑयल को भी आपको इसी तरह अप्लाई करना है। आपको ईयरबड में कैस्टर ऑयल को लेना है और अपने आईब्रोज एंड आईलैशेस पे अप्लाई करना है। सो गाइस ये था मेरा समर स्किन केयर रूटीन। आप देख ही चुके हो कि कितने सिंपल स्टेप हैं जिसे अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपकी स्किन परफेक्ट रहती है, स्किन ग्लोइंग रहती है। गाइस ये स्किन केयर रूटीन आपको रात में ही फॉलो करना है और मैंने हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स भी बताए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यही प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, जो भी आपके घर में हो और जो आपको सूट करते हो वो आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, बट आपको यही स्टेप फॉलो करने हैं। अगर आपको ये प्रोडक्ट्स चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, वहां से आप इसे ऑर्डर कर सकते हो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको मॉर्निंग स्किन के रूटीन पे भी वीडियो बनवानी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं पक्का उसको वीडियो जरूर बनाऊंगी। मैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ आऊंगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।